जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। एक कथन आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है तुलसीदास जी के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कथन कहा, तुलसीदास को क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये चीजें आज हम ट्रैक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक अवश्य करना, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का दोस्तों आपका है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। अब दोस्तों 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको उत्तर का चयन करना है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपन बोलते हैं ना कि काल आ गया है, काल आ जाए और मुझे उठा ले, है ना। तो कहाँ से आता है काल, कहाँ से आता है, नीचे से आता है कि नभ से आता है। बोले सर नभ से आता है, तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, काल आता है नभ से, तो कलिकाल का वाल्मीकि कौन ने बोला, नाभादास, नभ से बनेगा आपका नाभादास, याद रख लेना। इनकी एक श्रेष्ठ रचना है भक्तमाल, ठीक है, नाभादास जी की। फिर दोस्तों आपको अगला है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। अब 2 सेकंड में आपको बताना है, और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक बताना है, और आपको पता होगा कि लोग क्या बोलते हैं, मेरा सन लोकनायक है, मेरा सन यानी पुत्र, मेरा सन लोकनायक है, है ना। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, सन, कौन है, सन, तो सन से ग्रियर्सन, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं कौन, तुलसीदास, किसने कहा था, ग्रियर्सन साहब ने, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा, रूपकों का बादशाह। अब 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि रूपकों का बादशाह है, और आपने देखा होगा कि अपन बोलते ना कि भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के अनेक रूप हैं, और रूपकों का बादशाह कहा तो कौन कहेगा, कौन कहेगा, भगवान दीन, क्योंकि भगवान के क्या हैं, अनेक रूप हैं, और रूपकों का बादशाह कहा लाला भगवान दीन ने। अब याद रख लेना, रूपकों का बादशाह जैसे ही आपसे पूछा जाएगा और आपको याद आ जाएगा भगवान के रूप अनेक हैं, है ना, तो लाला भगवान दीन आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा, तो 4 विकल्प हैं, और आपको पता है कि वन के वृक्ष में दोस्तों मधु बहुत मिलता है, मधु बहुत मिलता है और आनंद आता है, तो आनंद वन का, आनंद के वनों के वृक्ष में मधु मिलता है, क्या मिलता है, वन के वृक्षों में मधु मिलता है, और मधु मतलब शहद भी होता है, तो मधु मिलता है, तो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आनंद वन का वृक्ष, तो वन के वृक्षों में क्या मिलता है, मधु, तो आनंद वन का वृक्ष कौन बोलेगा, मधुसूदन सरस्वती, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तुलसीदास को समन्वयवादी कवि किसने कहा, समन्वयवादी कवि, ये कथन किसका, उन्होंने कहा कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे। अब ये कथन किसका है, आपको पता है दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि मैंने हजारों लोगों का समन्वय करवाया, क्या करवाया, हजारों लोगों का समन्वय करवाया, तो ये समन्वयवादी कवि कौन बोलेंगे, हजारों लोगों का समन्वय करवाया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि हजारों लोगों का क्या करवाया, समन्वय करवाया, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा, 4 विकल्प हैं, और आपको पता है कि मानस का हंस यानी हम बोलते हैं कि हमारा मन तो चाहता है कि अमृत मिल जाए, हमारा मन या हमारा मानस क्या चाहता है, अमृत मिल जाए, और इस जन्म मरण की जो झंझट है इससे मुक्ति मिल जाए, है ना, तो मानस चाहता है, मन चाहता है, तो मानस का हंस क्या चाहता है, अमृत मिल जाए, तो अमृतलाल नांगर, है ना। इन्होंने दोस्तों तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित इन्होंने मानस का हंस एक रचना है इनकी, अमृतलाल नांगर साहब की, है ना, तो ये मानस का हंस किसने कहा, अमृतलाल नांगर साहब ने, ठीक है। अगला है, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तो अभी हमने समन्वय के बारे में पढ़ा है कि तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे और समन्वय करवाया हजारों लोगों का, तो तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है ये भी कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे। अब ये चीज बताना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जनता की चित्तवृत्तियों है ना का जो भक्ति काल के उदय के बारे में जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और जनता के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे। आपने देखा होगा रामायण भी आपने देखी, बोले सर राम तो जनता के प्रतिनिधि थे। क्या थे? राम जनता के प्रतिनिधि थे। तो हम बोलते हैं कि राम राज्य है ना, राम राज्य, ये जनता के प्रतिनिधि कौन थे? राम, तो राम से बनेगा क्या? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास। किसने कहा? शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है। और आपको पता है कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है, होता कि नहीं होता? बोले सर बहुत सारी उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है। तो उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कौन बोलेगा? उदय होता है तो उदय भानु सिंह है ना। उत्प्रेक्षाओं का क्या होता है? उदय। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी कौन बोलेगा? उदय भानु सिंह। ठीक है, ये चीज याद रखनी दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। और कभी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और फिर बता देना कि सर मेरा गलत हो गया, मैंने एक बार बस आपका वीडियो देखा था और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं होगा साथियों, ये चीज आपको याद आएगी उत्प्रेक्षाओं, और वो ट्रिक भी याद आ जाएगी कि उत्प्रेक्षाओं का उदय होता है मन में, ये याद आ जाएगी। आप परीक्षा हाल में बैठ के देखना कभी, ये सारी ट्रिकें याद आएंगी। ठीक है, अगला है, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा? सुमेरु बताना है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं सुमेरु से बना मेरु, मेरु पर्वत शिखर, अपन बोलते ना कि मेरु पर्वत शिखर। और आपको पता है कि जो मेरु होते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर होते हैं, जब हम नीचे से देखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ये जो मेरु है वो नब को छू जा रहे हैं, नब को छुए जा रहे हैं। कौन? मेरु। तो सुमेरु, मेरु से बनेगा सुमेरु, नब को छुए जा रहे हैं। तो सुमेरु कौन बोलेगा? नब को से बनेगा नाभा दास। भक्ति काल का सुमेरु कहा है, कलिकाल का कवि कहा है नाभा दास जी ने। ठीक है, तो सार नंबर याद रख लेना। बोले सर काल भी नब से आता है और सुमेरु भी ऐसे लगते हैं कि जैसे नब को छुए जा रहे हों, तो नब से नाभा दास, यानी सार नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तुलसीदास भारतवर्ष के लोकनायक हैं, भारतवर्ष के लोकनायक हैं, ये आपको बताना है। और बोले ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, भारतवर्ष के लोकनायक हैं कौन? तुलसीदास। दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग कह रहे है ना, क्या कह रहे हैं? बोले सर भारतवर्ष के तुलसीदास भारतवर्ष के लोकनायक हैं, ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। ठीक है, तो दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग बोल रहे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको याद रख लेना। लेकिन बुद्ध देव के बाद जो लोकनायक हैं वो किसने कहा है? वो गिरियर्सन ने कहा। ठीक है, लोकनायक, तो लोकनायक लोकनायक में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ भारतवर्ष की बात आई है, भारतवर्ष में हजारों लोग हैं, इसलिए भारतवर्ष के लोकनायक कौन है? हजारों लोग हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा था। ठीक है, अगला है, तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महान पुरुष किसने कहा? अकबर से भी महान और अपने युग का महान पुरुष किसने कहा? बहुत बढ़िया बात की है, और इस बात को आप स्मृति में बैठा लेना। काय में बैठा लाना? स्मृति में बैठा लेना, तो स्मृति से क्या होगा? स्मित। बोले सर स्मित ने कहा है कि तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का जो है महान पुरुष कहा है। किसने? स्मित साहब ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। अब देखना दोस्तों, सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्रहणी, ऐसी सार ग्रहणी दृष्टि कि जो हजारों कोसों तक देख सकती थी। क्या देख सकती थी? बोले सर ऐसी सूक्ष्म दर्शनी, ऐसी सार ग्रहणी दृष्टि मिली कि वो हजारों कोसों तक देख सकती थी। हजारों से बनेगा क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। हम बोलते ना कि हमारी दृष्टि 1 किलोमीटर तक देख सकती है, लेकिन तुलसीदास के समान सूक्ष्म दर्शनी सार ग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी, ऐसी दृष्टि नहीं मिली थी। इनकी दृष्टि कैसी थी फिर? बोले सर तुलसीदास की दृष्टि ऐसी थी जो हजारों कोसों तक, हजारों वर्षों तक देख सकती थी। यानी ए नंबर आपका बिल्कुल, हजारों से बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भारतवर्ष का लोकनायक, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, दुनिया कह रही मतलब हजारों लोग कह रहे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपको याद रख लेना। तुलसीदास लोकनायक के कवि थे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है कविता करके तुलसी ना लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। और आपको पता है कविता करके तुलसी ना लसे, और दोस्तों आपको पता है कि तुलसीदास ने अयोध्या के राजा जो राम थे, अयोध्या के जो राजा राम थे उन पर ज़्यादा कविताएं लिखी। किसने? तुलसीदास ने। कहाँ के राजा? अयोध्या। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। तो अयोध्या के राजा राम की इन्होंने भक्ति की है, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की ये पंक्ति है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने कहा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला पंक्ति। ठीक है, अगला है तुलसीदास को जातीय जागरण का कवि किसने कहा? दोस्तों अब यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके, और जातीय जागरण का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, रामविलास शर्मा या फिर ग्रियर्सन। और दोस्तों आपको पता है कि जागरण करके हमें क्या नहीं करना, क्रीणा नहीं करना, क्रीणा है ना, क्या नहीं करना, क्रीणा। विलास मतलब होता है क्रीड़ा, और हमें जागरण करके क्रीणा नहीं करना है, विलास नहीं करना है। ठीक है, तो जातीय जागरण का कवि विलास से बनेगा रामविलास शर्मा, इन्होंने जातीय जागरण का कवि कहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, अगला है यह एक कवि ही हिंदी को प्रौण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का, शुक्ल जी का या फिर ग्रियर्सन का? अब इतना लंबा चौड़ा कथन कौन बोल सकता है, कौन बोलेगा? रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में लिखा कि यह एक ही कवि हिंदी को प्रौण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? अब चार विकल्प हैं अनुप्रास का बादशाह, और अनुप्रास की बात आती है तो हम बोलते हैं कि सर जहाँ पर लगातार एक से अधिक बार अगर एक ही वर्ण आता है तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण आता है और हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं राम राम। अब एक ही वर्ण आ रहा है, एक ही वर्ण आ रहा है लगातार, राम राम राम, एक ही वर्ण आ रहा है, तो राम से बनेगा रामचंद्र शुक्ल, है ना। और अनुप्रास की हमने परिभाषा जान ली पहले कि अगर एक ही वर्ण आए लगातार तो अनुप्रास अलंकार आपका हो जाता है। ठीक है, बार बार वर्णों की, एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो, है ना। तो ये अनुप्रास का बादशाह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी है, ये कथन किसका है बताना है। और ये बैसवाड़ी, पुरानी बैसवाड़ी जो कहा है वो कहा है अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने। किसने कहा है? बिम्स ने कहा है, है ना, ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। अब ये अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक थे, अब इनको क्या समझ में आई कि बैसवाड़ी थी कि कैसी थी? इन्होंने कहा कि तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी थी, है ना, बैसवाड़ी। किसने? अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने। इस प्रकार से सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, ये किसने कहा है? तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, ये कौन बोलेगा? दोस्तों आपको पता है ये कथन, ये जो है ये पूछा भी गया है कि तुलसीदास हिंदी काव्य गगन के सूर और चंद्र हैं, और ये कथन है किसका? शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों तुलसीदास जी के जो कथन हैं, तुलसीदास से संबंधित जो कथन हैं वो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आज हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरी ट्रिक आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपको मैंने जो नॉलेज दिया है, जो प्रश्न आपको दिए हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है। आप पढ़ करके समझ जाते हैं, पढ़ करके याद आपको हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं हो पाता ट्रिक से होता तो ट्रिक से याद करें। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप ट्रिक से ही करें, जैसे आपको होता है वैसे आप करें। मैं तो बताता हूँ कि जो मेरे छात्र हैं जिनको ट्रिक से याद होता है वो ग्रहण करते जाएं। ठीक है, और जो भी साथी हिंदी साहित्य के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हिंदी साहित्य के ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको क्या करना है, मैं नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9098609291, इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, तो आपको ग्रुप से जरूर जुड़ना है। दोस्तों सबसे पहले आता है कि हंसावली, हंसावली आपको पता है असाहित्य की रचना है, लेकिन इसका सन नहीं आपको पता होता,
तो दोस्तों इसका सन क्या है, 1370, क्या है 1370। अब इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों मोदी जी या फिर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, आप लोगों ने हंस हंस के निकाल दिए 70 साल, अब 5 साल तो मुझे दीजिए, कहते ना 70 साल बोले हंस हंस के निकाल दिए, अब थोड़ा सा काम हो जाने दो। तो हंस हंस के निकाले हैं, तो हंसा वाली रचना का जो रचना काल होगा वो क्या होगा, 1370, ठीक है 1370। अब याद रख लेना 70 साल हंस हंस के निकाल दिए, अब कुछ काम हो जाने दो, है ना। अब चंदायन, ये रचना किसकी है, मुल्ला दाऊद की है ना, पहले भी हम इसको याद करवा चुके हैं। और ये इसका रचना क्या काल क्या है, 1379। अब इसको कैसे याद रखोगे 1379। दोस्तों एक चीज बताना कि चंदायन से क्या बनेगा, चांद का मुखड़ा, है ना। और सभी लोग अपने अपने चांद का जो मुखड़ा है वो कितने बार देखना है, 79 बार देखना है। अब जाके घर में जाके वीडियो देख के उसके बाद अपने अपने चांद के मुखड़े को 79 बार देखना। सभी लोग बोले सर ने बोला था, नियम दिया था कि 79 बार देखना है, ठीक है, तो 79 बार सभी लोग देखेंगे। तो चंदायन जो रचना है एक क्या हो जाएगा इसका रचना काल, 1379, ठीक है 79 बार देखना, तो 79, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सत्यवती कथा, सत्यवती कथा सभी लोगों को पता है कि ईश्वर की जो कथा होती है वो कैसी होती है, सत्य होती है। तो सत्यवती कथा की रचना काल कौन होंगे, ईश्वरदास, ठीक है। अब दोस्तों सभी लोग बता देना, आपने देखा होगा कि सबका मालिक एक, यानी कि ईश्वर क्या है, एक है, ईश्वर एक है। तो जो सत्यवती कथा रचना होगी ईश्वरदास की, उसका रचना काल क्या होगा, 1501 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रख लेना, बोले ईश्वर तो एक है तो 1501। अब दोस्तों चौथी रचना आपसे पूछी जाती है कि मृगावती का रचना काल क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मृगावती के जो आपके लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कौन है, कुतुबन है, कुतुबन, ठीक है। और यहां पर आया दोस्तों वन, और वन में आपने देखा होगा रामायण देखी होगी, आपने रामायण देखी, वन में क्या दौड़ रहा था, सोने का मृग दौड़ रहा था, सोने का मृग दौड़ रहा था, कहां पर, वन में। और दोस्तों एक मृग नहीं, कितने मृग दौड़ रहे थे, 3 मृग। अब याद रख लेना कितने, 3, आपको तो एक दिखे थे लेकिन 3 दौड़ रहे थे, अच्छे से देखना रामायण, ठीक है, क्योंकि उस वन में कितने मृग थे, 3 थे। तो मृगावती रचना किसकी होगी, कुतुबन की होगी, क्योंकि वन में मृग था। अब वन में कितने मृग थे, तो 3 मृग थे, कितने, 3। तो मृगावती रचना हो जाएगी 1503 की, ठीक है याद रखेंगे। माधवा नल काम कंदला, इसके रचनाकार कौन है, गणपति हैं, रचना काल क्या है। तो दोस्तों एक चीज बताना, माधवा नल काम की जब बात आती है, क्या आती है, काम, और हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कि श्री गणेश करो, क्या करो, श्री गणेश करो। तो माधवा नल काम कंदला, काम की शुरुआत करते तो श्री गणेश, तो ये किसकी होगी, गणपति की होगी। अब याद रख लेना ये गणपति की भी है, आलम की भी है, और कुशल लाभ की भी है, 3 लोगों की रचना है माधवा नल काम कंदला। लेकिन जो गणपति की है वो क्या है, 1927 की है, 27 याद रख लेना, क्योंकि 27 साल तक गणपति की कृपा से बालक को बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो, कब तक, 27 साल तक, उसके बाद बेटा अब काम में लगना है, क्या करना है, काम। तो माधवा नल काम कंदला जो गणपति कृत है ये 1527 याद रखना, ठीक है। चौथी आपसे पूछी जाती दोस्तों पद्मावत, तो पद्मावत किसकी है, जायसी की, और ये 1540 की है। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पद्मावत है ये पद्मावत हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है ना, और इसके जो रचनाकार कौन है, जायसी है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब है, और इसका रचना काल है 1540। पद्मा से, पदम से क्या होता है दोस्तों, पदम, पदम मतलब पैर, और पैर से जायसी कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कितने, 40। तो पद्मावत का जो रचना काल होगा वो कितना होगा, 1540, ठीक है, क्योंकि 40 किलोमीटर जायसी, कैसे, गाड़ी से नहीं, पदम यानी पैर से, ठीक है हो गया। रूपमंजरी बताना दोस्तों, रूपमंजरी मैंने आपको कई बार याद करवाया, रूपमंजरी ये नंददास की रचना है ना, और 1568 की है। अब इसको कैसे याद रखोगे, आप भूल जाते, बोले सर मैं तो भूल गया,
ठीक है, अब नहीं भूलोगे। एक बार क्या हुआ, एक बहू की क्या थी, नंद, नंद थी, और नंद भी अड़ गई। काय के लिए अड़ गई, रूप के लिए। बोले हमें भी अच्छा रूप चाहिए, सुंदर रूप। काय के लिए अड़ गई नंद, रूप के लिए अड़ गई। तो रूप मंजरी जो रचना है वो नंददास की हो जाएगी, और अड़ गई तो 1568, ठीक है, तो 1568 इसका रचना काल हो जाएगा। अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि रूप मंजरी का रचना काल क्या है, बोले सर रूप के लिए नंद अड़ गई तो 68, अब सीधा सा तो है, इसमें क्या याद करना, ठीक है। बाद में आपका टेस्ट भी होने वाला है ना, आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, इसलिए मैं पहले आपको ट्रिक से बता रहा हूं, और बाद में टेस्ट करवाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना दोस्तों छिताई वार्ता, अब छिताई वार्ता आपको पता है कि छिताई से आया ताई, और ताई उसे कहा जाता है दोस्तों। अब एक बात बताना कि किसी 15 साल की लड़की को आप ताई बोल दोगे, नहीं बोलोगे ना, आप 90 साल की जो क्या होगी औरत होगी उसे आप ताई बोलोगे, बोले ताई है मेरी। तो छिताई वार्ता का रचना काल क्या होगा, 1590, क्योंकि 90 साल की औरत को हम ताई बोलेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि जो ताई होती है वो कथा सुनाती, बोले बेटा नारायण की कथा सुनो, काई की कथा सुनो, नारायण जी की, तो नारायण दास की ये रचना हो जाएगी, कौन सी, छिताई वार्ता। ताई आया है तो ताई 90 साल की हैं, और ताई नारायण दास की कथा सुना रही हैं, ठीक है, तो नारायण दास। चित्रावली देखो दोस्तों, चित्रावली सभी को पता है उस्मान की रचना है, लेकिन इसका रचना काल आपको पता होनी चाहिए। तो हम बोलते ना, जब हम चित्र बनाते हैं तो हम बोलते यार तेरा चित्र बहुत अच्छा बना है, तेरा चित्र बहुत अच्छा बना। तो चित्रावली का रचना काल क्या होगा, 1613। अब 13 चित्र बना है तो 1613, ऐसे याद रखना। रस रत्न, रस रत्न इसके रचनाकार कौन है, पोहकर हैं, पोहकर कवि, याद रख लेना। और इसका रचना काल क्या है, 1618। दोस्तों आप रस लेने जाते हो, निब्बू का रस लेने जाते हो, और रत्न लेकिन लेने जाते हो, रस भी लेने गए और रत्न लेने गए, बोले कितने में आया, बोले रस आया 16 में और रतन आए 18 में, तो दोनों को मिला दो 1618। अब रस रत्न का रचना काल क्या होगा, 1618, है ना। मैंने आपको भेजा यार बहुत सारी क्लास हो गई, अब थोड़ा सा कुछ रस अस का हो जाए, आप लेने गए, बोले सर कितना का है, रस आया 16 का और 18 की रतन आए, तो 1618 रस रत्न, ठीक है, याद हो गया ना। अब दूसरा बताना ज्ञानदीप, ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो शेख नबी हैं, है ना, सभी को पता है, मैंने आपको याद करवाया था, नबी से हो जाएगा नया, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नबी नबी ज्ञान प्राप्त करते, नया नया ज्ञान प्राप्त करते, तो ज्ञानदीप के शेख नबी, ठीक है। और 1619, अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो 16 साल से 19 साल की उम्र रहती है एक बालक की, किशोरावस्था की रहती है, और किशोरावस्था में अगर आपने उसको अच्छा ज्ञान नहीं दिया तो वो गलत रास्तों में चला जाता है, इसलिए 16 से 19 साल के बालक को ज्ञान देना है, क्या देना है, ज्ञान। तो ज्ञानदीप का रचना काल क्या होगा, 1619, बोले 16 से 19 बोला था सर ने, तो 1619, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर तीसरा पूछा जाता है दोस्तों, हंस जवाहर ये किसकी रचना है, तो अब आपको याद रख लेना है, मैंने जवाहर लिए कुछ, बहुत सारे जवाहर लिए और मैंने रख दिए, और मैं कहीं गया और वापस आया, और मैंने आप लोगों से पूछा कि जवाहर कहां गए, तो आपने कहा सर हंस खा गए, मैंने कहा 1731 जवाहर हंस खा गए, बोले कसम से सर, कसम से सर हंस जवाहर खा गए, है ना, कितने खा गए, 1731 जवाहर हंस खा गए। तो हंस जवाहर की रचनाकार कसम यानी कि कासिम शाह है, और कितने जवाहर, 1731 जवाहर, तो हंस जवाहर रचना कासिम शाह की है और 1731 इसका रचना काल है, ऐसे याद करना, ठीक है। फिर अब दोस्तों इंद्रावती है, इंद्रावती रचना सभी को पता है नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती रचना नूर मोहम्मद की और 1744 इसका रचना काल है। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बोलता है मेरी इंद्रावती बिल्कुल नूर के समान है, कैसी है, बिल्कुल नूर के समान है, तो बोले चबा लो उसको, क्या बोले, चबा लो उसको, तो इंद्रावती नूर के समान है तो नूर मोहम्मद की रचना है, और चबा लो तो 44 यानी कि 1744 की ये रचना हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बोले चबा लो नहीं यार, मैं उससे बहुत अनुराग करता हूं, मैं 64 साल का हो गया लेकिन उससे अनुराग करता हूं,
तो उनकी रचना एक अनुराग वासरी है वो कितनी की है 1764 की। अब याद रख लेना इंद्रावती नूर के समान है, तो बोले इंद्रावती को चवालो तो 44, ठीक है अब चवालो तो 44, और बोले हम उससे अनुराग करते हैं भले हम 64 साल के हो गए, तो 1764 अनुराग वासरी नूर मोहम्मद की रचना है, याद रखेंगे। दो रचना और है याद रखना है, जो यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा दोस्तों शेख निसार की है, और हमने ऊपर पढ़ा था कि ताई 90 साल की हो गई है ना, और 90 साल की हो गई तो लेखा जोखा नहीं रख पाती अब है ना, 90 साल का लेखा जोखा कौन रखेगा, तो यूसुफ जुलेखा 1790 की है, और प्रेम दर्पण ये नसीर की रचना है 1847 की, ठीक है। तो ये चीज इतनी रचनाएं थी, जहां जैसी ट्रिक निकली मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, इनका रचना काल भी नहीं भूलेंगे, अब आपसे अभ्यास करवाएंगे तो और भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अब वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना है, और फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, चार विकल्प है आपके सामने, आपको उत्तर बताना है, ऐसे ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, तब आपका उत्तर क्या होता है, क्या होता है मुल्ला दाऊद, क्या हो जाता है आपका उत्तर मुल्ला दाऊद, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है मुल्ला दाऊद। अब सूफी की बात हो रही है दोस्तों, तो कोई दाऊ होगा है ना, दाऊद आपने सुना होगा, अब्राहम दाऊद है ना, तो दाऊ ही होगा साहब, तो दाऊद मुल्ला दाऊद अधिकांश लोगों को पता है, ठीक है। अगला बताना, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है, दोस्तों आपने पढ़ा होगा और ये रचना एक प्रश्न पूछा भी गया है, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है या सूफी रचना किसे मानी है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और राम को आपने पढ़ा है दोस्तों कि राम किसके पीछे पड़ गए थे, मृगा के पीछे पड़े थे कि नहीं, सोने के मृग, तो मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्रथम रचना, और कुतुबन, कुतुबन इसके रचनाकार हैं, क्योंकि मृग कहां पर था वन में, यानी कि कुतुबन आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, अष्टछाप के किस कवि ने रूपमंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की है, तो बताना है आपको, मैंने अभी याद करवाया था आपका कि नंद का रूप बड़ा अच्छा था, कैसा था, बड़ा अच्छा था नंद का, लेकिन नंद अड़ गई, बोले हमें रूप अच्छा चाहिए, तो 68, ठीक है, 1568 आपने याद किया था, ठीक है, तो 68 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और रूपमंजरी नाम से ये किसकी है, नंददास जी की है, ठीक है, इसको आपको याद करना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, अगला है असाहित की हंसावली का रचना काल क्या है, असाहित की हंसावली बताना है ना, ये जो रूपमंजरी है 1568 की है, ठीक है, 1568 याद रख लेना रूपमंजरी का, ठीक है। असाहित की हंसावली का रचना काल क्या है, तो चार विकल्प हैं, आपने कहा था कि सर 70 साल हंस हंस के निकाल दिए, यहां जानी लीवर देखो बोल रहे हैं यार 70 साल निकाल दिए हंस हंस के, क्या है, तो कैसे निकाल दिए 70 साल, तो 1370, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता मुल्ला दाऊद की चंदायन का रचना काल क्या है, चंदायन, तो जल्दी से बताओ चांद का मुखड़ा कितने बार देखना है, कितने बार देखना है 79 बार, तो चंदायन की रचना काल कौन होंगे, ये रचना काल क्या होगा 1379, ठीक है। अब आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का रचना काल क्या है, सत्यवती कथा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईश्वर की कथा सत्य ही होती है और ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यानी कि उत्तर क्या होगा आपका 1501, यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बताना, कुतुबन कृत मृगावती का रचना काल क्या है, चार विकल्प हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुतुबन वन आया है, तो वन में कौन था, मृग था, और मृग कितने थे, एक नहीं तीन मृग थे, तो कुतुबन कृत जो मृगावती का रचना काल होगा वो क्या होगा 1503, ठीक है, 1503 यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, गणपति कृत माधवानल कामकंदला का रचना काल क्या है, तो जल्दी से बताएंगे, जब आप कोई काम शुरू करते हो तो श्री गणेश क्या करते हो, श्री गणेश करते हो, ठीक है, तो गणपति हो गई,
अब जब काम करते हो दोस्तों, तो कब से काम करते हो, घर वाले बोलते हैं यार 27 साल तक तो ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई करो, 27 साल के बाद काम है ना, तो 1527 माधवानल काम कंदला, ठीक है, यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना, जायसी की जो पद्मावत है इसका रचना काल क्या है। अब यहां पर जायसी मतलब जाना है, पद्मावत यानी कि पद्म से, तो कितने किलोमीटर जाना है 40 किलोमीटर जाना है। तो आपका जो पद्मावत है ये महाकाव्य है और ये कब का होगा, 1540 का, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, मंझन की मधुमालती का रचना काल क्या है। मंझन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं है ना, कि 4-5 बाटल ली सुबह से, 4-5 बाटल ली मधु की, और उनका मधु से ही मंझन होता है। आपने देखा मधु मतलब होता है शहद होता है और शराब भी होता है, ठीक है। आपने वो हरिवंश राय बच्चन की वो पढ़ी होगी पंक्ति कि बैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, है ना, आपने मधुशाला रचना भी पढ़ी है। ये मधुमालती यहां पर पूछा गया है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि 4-5 बाटल ली मधु की और सुबह से मंझन ही मधु से हो रहा है, तो कितनी, 4 और 5 तो क्या हो जाएगा, 1545 मंझन की मधुमालती का क्या हो जाएगा रचना काल, ठीक है। अगला देखते हैं, नंददास की रूप मंजरी। अब याद तो किया था कि नंद काय के लिए अड़ गई, बोले नंद अड़ गई, रूप तो मुझे चाहिए, अड़ गई तो 68, ठीक है, 1568 है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना दोस्तों, नारायण दास की छिताई वार्ता का रचना काल का है। यहां पर ताई बताया था मैंने, ताई कितने साल की हो गई 90 साल की ताई हो गई, तो 1590 इसका रचना काल होगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है, ठीक है। उस्मान की चित्रावली का रचना काल क्या है दोस्तों, मैंने याद करवाया था कि 2 लोगों को कॉम्पिटिशन में रखा गया, बोले चित्र बनाओ, तो जब एक दूसरे अपने अपने चित्र को देखते हैं, एक दूसरे के चित्र को देखते हैं, तो बोले यार तेरा चित्र बहुत अच्छा बना है, तेरा चित्र, तो उस्मान की जो चित्रावली रचना है उसका रचना काल क्या होगा, 1613, ठीक है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पोहकर की रस रत्न का रचना काल क्या है। पोहकर और रस कितने में आ रहा था, 16 रुपए में, और रत्न कितने में आ रहे थे, 18 में, तो 1618 रस रत्न की पोहकर 1618, ठीक है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला बताना दोस्तों, शेख नबी की ज्ञानदीप का जो रचना काल है वो क्या है। हमने याद कर लिया था कि ज्ञान हमें नया नया सीखना है, मतलब नबी है ना, और ज्ञानदीप यानी कि ज्ञान देना चाहिए। आपके पास भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे मतलब 1-2 बच्चे होंगे है ना। अब बच्चा जो है आपका, उसको 16 से 19 वर्ष का जब हो उसे अच्छा ज्ञान देना है ना, तो 16 से 19, तो 1619 ज्ञानदीप का रचना काल माना जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है, कासिम शाह की हंस जवाहर का रचना काल क्या है। मैंने याद करवाया था आपको कि हंस क्या खा गया, जवाहर खा गया, कितने जवाहर खा गया, कितने, 1731 जवाहर हंस खा गया है ना, तो आपका जो विकल्प नंबर है वो क्या है, सी नंबर। आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं, अगर आपसे बन रहा है तो, आपको ट्रिक से याद हो रहा है, आपसे बन रहा है तो जरूर लिखें, और जो बीच में शामिल हुए हैं वीडियो के वो शुरू से वीडियो जरूर देखें, ठीक है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती का रचना काल क्या है। मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि एक व्यक्ति बोला कि मेरी इंद्रावती बिल्कुल नूर के समान है, नूर के समान है, तो बोले चबा लो, तो नूर इंद्रावती के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रचना काल क्या होगा, 44, यानी कि 1744। अब बोले मैं 64 साल का भले हो गया लेकिन उससे क्या करता हूं, अनुराग करता हूं, तो अनुराग मासरी 1764, ठीक है। तो याद रख लेना, याद कैसे भी हो याद करना है हमें, तो यहां पर आपका 1744 बिल्कुल होगा,
और इन्हीं की रचना अनुराग मासरी 1764 है, ठीक है, इसका रचनाकाल याद रखना है। अगला है दोस्तों, शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा का रचनाकाल क्या है, जल्दी से बताना है। फनी ट्रिक, हंस हंस के याद करना है ना, आप जितना भी पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा दोस्तों। आप रोज सुबह 9:30 बजे वाली क्लास अटेंड करें हिंदी साहित्य वाले, अब जितना भी पढ़ोगे कभी नहीं भूल जाओगे, भूल ही नहीं सकते जिंदगी में। तो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा बताना है इसका रचनाकाल क्या है, और लेखा से मैंने आपको याद करवाया था कि जो ताई हैं 90 साल की हैं, अब 90 साल की बुढ़िया कोई होगी वो लेखा जोखा रखेगा क्या, नहीं रखेगी, तो 1790 है ना, 90 याद रख लेना, शेख निसार की है। अगला बताना नसीर कृत प्रेम दर्पण का रचनाकाल क्या है, नसीर दोस्तों याद रख लेना, इसका जो रचनाकाल हो जाएगा प्रेम दर्पण, और प्रेम हमें कैसे है 47 नंबर से बहुत प्रेम है, क्योंकि 47 जो 47 है हमारे देश का लकी नंबर है, हमारे देश की आज़ादी मिली थी हमें कब, 1947 में है ना, और इससे हम 47 से बहुत प्रेम करते हैं दोस्तों। 1847 में प्रेम दर्पण का रचनाकाल हो जाएगा, नसीर कृत प्रेम दर्पण 1847, इस प्रकार से भी याद करना है। अगला है गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है तो किसे माना है, अब जल्दी से आपको बताना है, गणपति चंद्रगुप्त ने जो माना है वो किसे माना है दोस्तों, हंसावली को माना है, हंसावली, ठीक है, और हंसावली का रचनाकाल क्या है 1370 है ना, बोले गणपति की कृपा से हंस हंस के 70 साल निकाल दिए, अब मोदी जी का राज आया है ना, तो हंसावली याद रखना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना, सूफी काव्य की रामकुमार वर्मा ने, तो बताना है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों चंदायन है ना, चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन आपने रचना पढ़ी होगी, और ये रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना इसे माना है, मुल्ला दाऊद की चंदायन को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है, जल्दी से कमेंट में लिखें, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है दोस्तों किसे, सत्यवती कथा को, और आपने देखा होगा कि जो कथा सत्य होती है उसको एक बार नहीं 1000 बार पढ़ते हैं, और 1000 बार हम बोलते हैं है ना, बोले सत्य है तो सत्य है, हम एक बार नहीं 1000 बार बोल सकते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सत्यवती कथा है ना, इन्होंने माना है सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना, ठीक है। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवे रामायण और कवितावली, ठीक है, ये 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं तुलसीदास जी की, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है वो यहां पर देखो दोस्तों, आपको एक दोहा बनाया गया है, वो दोहा आपको याद हो जाएगा, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कैसे पढ़ना है आपको, तुलसी को वैराग्य हुआ है राम राम ऐह जानकी, रामचरित और पार्वती ने कृष्ण के गीत गान की, गीतावली में विनय के दोहे, गीतावली में विनय के दोहे, बार बार कविताल की, तुलसी को वैराग्य हुआ है राम राम यह जान की। आपको ये दोहा याद करना है और पूरी की पूरी रचनाएं क्रमबद्ध याद हो जाएंगी दोस्तों, है ना, तुलसी से आपका तुलसीदास बन जाएगा, वैराग्य से आपका क्या हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी है ना, याद रख लेना, रामज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू, ठीक है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली है ना, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और बरबे रामायण, बार बार से बरबे रामायण और कवितावली, ये आपको याद रख लेना है, और तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं 12 रचनाएं जो प्रमाणिक मानी गई हैं वो आपको क्रमबद्ध याद होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोहा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर आपको बताना है, और बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है कि तुलसी को वैराग्य हुआ है राम राम यह जानकी, रामचरित और पार्वती ने कृष्ण के गीत गान की, गीतावली में विनय के दोहे, ओ गीतावली में विनय के दोहे, बार बार कविताल की,
तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जान की। ये आपको याद करना है और पूरी क्रमबद्ध रचना याद हो गई। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताना ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है। अब याद करना दोस्तों अवधी भाषा में रचना ट्रिक, अवधी भाषा में इनकी कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि इनकी जो रचनाएं हैं, बारह रचनाओं में जिन रचना में राम आए और मंगल आए, राम और मंगल आए, वो किस भाषा में होंगी, अवधी भाषा में, ठीक है। जैसे यहां पर देखो रामज्ञा में राम आया तो अवधी, रामलला नेहचू में राम आया तो राम अवधी, ठीक है। जानकी मंगल में मंगल आया तो अवधी, रामचरित में राम आया तो अवधी भाषा, है ना। पार्वती मंगल में मंगल आया तो अवधी भाषा, बरबे रामायण में राम आया तो अवधी भाषा। तो आपको सीधा सा याद करना है कि इनकी जौन सी भी रचनाओं में, बारह में से जौन सी रचना है, अगर राम और मंगल आता है तो वो अवधी भाषा में है, ठीक है। बाकी की ब्रज भाषा में है। अब तो याद नहीं करना आपको, कोई कोड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन ब्रज भाषा भी कोड अब आपको याद करना है कि विनय के बैराग में चार बली, विनय के बैराग में चार बली, तो विनय से क्या हो जाएगा आपका, विनय पत्रिका, बैराग में बैराग संदीपनी, चार बली यानी कि कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये चार बली हैं दोस्तों, विनय के बैराग में चार बली। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना, ब्रज भाषा की भी याद हो गई आपको और आपको अवधी भाषा की भी याद हो गई, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ट्रिक और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है वो आप जरूर बताना कमेंट के माध्यम से, और उस ट्रिक को कमेंट में जरूर लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको मुक्तक काव्य पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा मुक्तक काव्य है, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है ट्रिक कि संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे या कब दोगे मुक्ति, ठीक है। मुक्ति से आपका मुक्तक काव्य, तो संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, तो आपका संदीप से हो जाएगा वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, ठीक है। कब से आपका होगा कविता बली, दोगे से हो जाएगा दोहावली। ये मुक्तक काव्य हैं दोस्तों इनकी, रामज्ञा प्रश्न, कविता बली, दोहावली और वैराग्य संदीपनी, ठीक है। ये इनकी क्या हो जाएंगे, मुक्तक काव्य हो जाएंगे। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में ऐसे बताइए कौन सा मुक्तक काव्य है, तो आपको पता होनी चाहिए ना। अब तो आप नहीं बोलेंगे संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे या कब दोगे मुक्ति, है ना, इस प्रकार से याद करना। अगला है दोस्तों अपना प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, तो प्रबंध काव्य कैसे याद करना है, पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, तो पीपी से हो जाएगा प्रबंध काव्य आपका, जानकी से जानकी मंगल, पार्वती से पार्वती मंगल, चरित्र से रामचरितमानस और नहचू से रामलला नहचू, ये आपके प्रबंध काव्य हो जाएंगे। आपको याद करना है पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, ठीक है, इनको याद करना है और आपकी जो रचनाएं हैं प्रबंध काव्य की वो आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अगला आपको बताना है गीति काव्य। अब गीति काव्य कौन से, ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको इतना बस याद रखना विनय के गीत, विनय के गीत, तो विनय पत्रिका और गीत जो अन रचनाओं में आए, गीतावली, है ना, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये काया हो जाए, क्या हो जाएंगे, इनका काव्य रूप होगा गीति काव्य, ठीक है, विनय के गीत, ये याद रखना है। फिर पूछा जाता है दोस्तों खंड काव्य कौन है इनके, तो खंड काव्य में याद रख लेना खंड काव्य मंगलमय है, बोले तुलसीदास का खंड काव्य तो मंगलमय है, ठीक है। तो जो इनमें मंगल आ रहा है वो क्या है, खंड काव्य है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये क्या है इनके, खंड काव्य है। तो हमने खंड काव्य याद कर लिया, गीति काव्य याद कर लिया, ठीक है, मुक्तक काव्य याद कर लिया। इनको एक बार और देख लो दोस्तों, मुक्तक काव्य में आपको संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, यानी कि रामज्ञा प्रश्न, है ना, कवितावली, दोहावली, बैराग संदीपनी, ठीक है, ये इनके मुक्तक काव्य होंगे। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि प्रबंध काव्य कौन से हैं, तो जानकी पीपी, जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, है ना, तो याद रख लेना जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला नेहचू, है ना। अब कभी गीति काव्य, तो विनय के गीत, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है। खंड काव्य, खंड काव्य मंगलमय है, तो मंगल मंगल आ रहा, मंगल मंगल हो रहा है, बोले सर आप ट्रिक बता रहे हो, पूरा मंगल मंगल हो रहा है ना, तो मंगल मंगल होगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको बताने, बहुत सारी ट्रिक आपने पढ़ ली है, ठीक है। तुलसी को बैराग्य हुआ है,
राम राम यह जानकी। अब आपको क्वेश्चन बताना है निम्न में से कौन सा गीति काव्य है। गीति आपने पढ़े हैं, ट्रिक आपने पढ़ी थी विनय के गीत, क्या पढ़े थे विनय के गीत, तो कौन सा है, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, कविता वाली या जानकी मंगल। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो गीति काव्य पूछा है, बोले विनय के गीत सर, तो विनय पत्रिका, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा खंड काव्य है। तो आपने पढ़ा था कि तुलसी का खंड काव्य क्या है, मंगलमय है। दोस्तों जिसमें मंगल आता है वो खंड काव्य है, तो मंगल किसमें आया है, जानकी मंगल, तो मंगल इसमें आ गया, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना अवधि में है, अवधि में बताना है, अवधि। तो अवधि में हमने पढ़ा था कि जिनमें राम आए और मंगल आए वो अवधि, तो देखो राम और मंगल किसमें आया है। जी हाँ, आपने देखा कि इसमें भी नहीं आया, इसमें राम आया, मतलब ये किसकी भाषा, किसकी हो गई, अवधि की हो गई, बाकी ब्रज की। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद हुआ कि नहीं हुआ बता देना, कि सर बहुत अच्छी ट्रिक है ना। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है। अब ब्रज की हमने ट्रिक पढ़ी थी दोस्तों, क्या पढ़ी थी ब्रज की ट्रिक, जल्दी से बताओ, फटाक से आपको बताना है। आपने देखा था सबसे पहले तो आपको अवधि की आपने पढ़ ली कि राम और मंगल आए तो अवधि, बाकी ब्रज। तो देखो इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें जानकी मंगल आ गया, तो ये ब्रज की नहीं, ये तो अवधि की है, बाकी क्या की है, आपकी ब्रज भाषा की है। ठीक है, तो याद रख लेना है आपको, है ना, कि ये काय की है, आई अवधि की है, बाकी ब्रज की है ना। तो ये तो आपने याद कर ली दोस्तों। अगला आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य हमने पढ़ा था, क्या पढ़ी थी, इसकी ट्रिक क्या पढ़ी थी, जल्दी से बताओ। संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे। संदीप से आपकी बैराग संदीपनी बनी थी, राम की आज्ञा से रामज्ञा प्रश्न बनी थी, कब से आपकी कविता बली बनी थी, यानी कि मुक्तक काव्य क्या है, सभी हैं, यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो कांड बताना है तब आपको बिल्कुल सही पता है कि रामचरितमानस में जो कांड हैं वो 7 कांड हैं, और रामचरितमानस हमें जिंदगी भर साथ देगी, क्योंकि रामचरितमानस से हम राम के चरित्र को स्मरण करते हैं, उनके गुणों को स्मरण करते हैं, तो साथ देगी, तो 7 कांड ऐसे याद रखना है। अब दोस्तों इनके कौन कौन से कांड हैं, क्रमबद्ध कांड भी पूछे जाते हैं आपसे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरंड कांड, किष्कंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताएं दोस्तों कि राम क्या थे, बालक थे। आपने देखा कि राम बालक थे, तो बालक राम का जन्म कहां हुआ, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में हुआ तो सबसे बालक थे तो बालकांड, सबसे प्रथम अयोध्या में हुआ तो अयोध्या कांड। ठीक है, अब अयोध्या से दोस्तों उन्हें वनवास हुआ तो वन को क्या बोलते, अरंड बोलते हैं, तो फिर तीसरा कांड कौन सा आएगा, अरंड कांड। अब अरंड जाना था मतलब वन को जाना था, तो उन्होंने सोचा किसके पास जाएं, किसके पास जाएं वन में, तो जो आपका अगला कांड होगा वो किससे, किष्किंधा कांड। ठीक है, किसके पास जाएं, तो किष्किंधा कांड। अब दोस्तों देखो जब वन चले गए, बोले चलो तो अब किसी के कि कोई ना कोई तो मिलेगा, तो इनको बहुत सुंदर व्यक्तित्व के, है ना, अच्छे अच्छे लोग मिले, हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, है ना, तो सुंदर व्यक्तित्व के बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति मिले, उनने दोस्ती की उनसे। ठीक है, तो सुंदर व्यक्तित्व के मिले तो सुंदर कांड। ठीक है, अब दोस्तों सुंदर व्यक्तित्व के मिले तो यहाँ के इसके बाद फिर क्या हो जाता है, सीता जी का हरण हो जाता है, सीता जी का हरण हो जाता है, तो लंका गए तो लंका कांड, है ना। पहले मतलब ये है कि सीता जी का हरण हो गया, उसके बाद उनके दोस्त मिले, फिर लंका गए, लेकिन दोस्त मिले, सुंदर दोस्त मिले, ठीक है, तो सुंदर कांड, फिर दोस्तों के साथ वो लंका गए, ठीक है, तो लंका कांड, और जब लंका से लौट के आए तो उनको विभिन्न प्रकार के उत्तर देने पड़े, क्यों गए थे लंका, क्या किया लंका में, है ना, कैसे हुआ ये सब, तो विभिन्न प्रकार के उत्तर देने पड़े, तो उत्तरकांड। तो सीधी सी आपकी ट्रिक है कि राम बालक थे तो बालकांड, राम अयोध्या में इनका जन्म हुआ तो फिर अयोध्या कांड, अयोध्या से इनको वनवास हुआ तो अरंड कांड, अरंड बोला जाता है वन को, अरंड कांड,
फिर अरण्य में यानी वन में कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, तो किष्किंधा कांड, ठीक है। अब जब किसके यहाँ जाएं तो वहां पहुंच गए वन में, बोले चलो वन में कोई ना कोई तो मिलेगा, तो इन्हें सुंदर व्यक्तित्व के धनी मिले, तो सुंदर कांड, ठीक है। और सुंदर व्यक्तित्व के धनी के साथ दोस्तों के साथ ये कहाँ गए, लंका, तो लंका कांड। और जब लंका से आए तो इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, तो उत्तर कांड, ठीक है। अभी आपको क्रमबद्ध याद हो गए होंगे दोस्तों, सात कांड रामचरितमानस के याद रख लेना, क्रमबद्ध पूछा जाता है, ठीक है। अगला बताना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध काव्य कौन सा है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, या फिर सभी। तो प्रबंध काव्य आपने पढ़े हैं कि पीपी, जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, आपने पढ़ा है पीपी, जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला नहचू, ये क्या हैं, प्रबंध काव्य हैं, जिनमें से जानकी मंगल और पार्वती मंगल खंड काव्य हैं, है ना, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो सभी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की ब्राट चेष्टा है, ये किसने कहा दोस्तों। तो चार विकल्प है, चार में से हमें चयन करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जिंदगी भर निकल जाती है आप लोगों की, है ना, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी निकल गई क्या करते करते, समन्वय करते करते, हजारों बार समन्वय किया, कितनी बार समन्वय किया, हजारों बार समन्वय किया, तो समन्वय की ब्राट चेष्टा कौन कहेगा, कौन कहेगा, हजारों बार किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है, तो किसने माना है। दोस्तों आपको पता है लोक मंगल का कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को, है ना। और रामचंद्र जो शुक्ल थे सबसे ज्यादा प्रभावित थे किस रचना से, रामचरितमानस से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल किस रचना से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो वो थी रामचरितमानस दोस्तों, ठीक है। तो रामचरितमानस को इन्होंने लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, विनय पत्रिका का अन्य क्या नाम है, विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा की है और इसका अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, इसका अन्य नाम है विनयावली, राम गीतावली, यानी कि दोनों इसके अन्य नाम है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी, बहुत सारी ट्रिक मैंने बताई, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी वो आपको कमेंट में लिखना है, उस ट्रिक को भी कमेंट में लिखना है। और जितने भी साथी देख रहे हैं वो अपना कमेंट में क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, जितने भी हमारे साथी ग्रुप में जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएंगे, कुछ लाइव देख रहे हैं तो लाइव, कुछ बाद में देख रहे हैं तो बाद में, ठीक है, कमेंट करके अपनी उपस्थिति बताएंगे। और एक प्रश्न चैलेंज प्रश्न है जिसका उत्तर तो आपको बताना ही है, पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है, चार विकल्प आपके सामने है, चैलेंज प्रश्न है, आपको इसका उत्तर लिखना ही है, ठीक है। तो गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये नंबर दिया है 9098609291, ये नंबर है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जहां पर आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण ट्रिकी वीडियो मिलेंगे दोस्तों, है ना, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, सभी लोग जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही, जय हिंद।